के गो कथा गावे जा रहल बानी यवना कथा के शीर्षक बा नारद जन्म। नारद जी के जन्म कैसे भई है इहे आज प्रसंग रही। बहुत सुंदर सुंदर कलाकार सब है आज हमारा साथ में उपस्थित बानी। लाल तबला पर बबुआ मोहन शर्मा ग्राम पोस्ट समूहपुर जिला सिवान बिहार। बेंजू वादक भाई चंद्रिका जी ग्राम परवम जिला सिवान बिहार। जोड़ी पर राजू व्यास जी बबुआ आनंद राज जी भाई अवधेश जी समय साथ दे रहल बाया। जय हे माता सरस्वती जय हे माता सूर्य जगदम्बे जय जवान जय किसान जय हो गुरु गौतम तूफान। आई प्रसंग के पहले को दुनियादारी से सेवा बा आज के गीत गौनाई ऐसा जगह पर पहुंच चुकल बा। अबे बरा ना सुने लायक बा ना कुछ सुनावे लायक बा। पहले को युग रहे उस युग में कहीं तू गोला प्रोग्राम होके चाहे सिंगल प्रोग्राम होके 10 टोला के लोग जाके सुने आनंद ले। आज वो परिस्थिति हो गई बा कि जमुना गांव में ब्यास में जाके गावता वही गांव के पता नहीं खेला कर कहिया कौन ब्यास आई रहे हैं। आइए करा पहले को दुनियादारी से सेवा बा। अरे दुनिया बिगड़ल जाता अब होई निंगा नाच रे। दुनिया बिगड़ल जाता अब होई निंगा नाच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। अरे केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। दुनिया बिगड़ जाता अब होई नींद नाच रे। दुनिया बिगड़ल होई नींद नाच रे। अरे दुनिया बिगड़ल जाता अब होई नींद नाच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। केहू नहीं जिन्ही रे माल पागल बाकी काच रे। केहू नहीं जिन्ही माल पागल बाकी काच रे। होता बर्बादी धीरे धीरे देशवा के होता बर्बादी।
सवा के होता पर बादी कथक पहले लोगवा खाता पर शादी एगो शिकार माल एगो शिकार माल जहाँ चल पाच रे एगो शिकार माल अरे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे चंद्रिका भाई फूल के सुगंध पर लुटात रहे भावला फूल के सुगंध पर लुटात रहे भावला ए फूल के सुगंध पर लुटात रहे भावला पीछे पड़ छवड़ा लईकी के पीछे पड़ छवड़ा अरे लईकी के फसल देखी के पीछे पड़ छवड़ा लईकी के फसल देख के पीछे पड़ छवड़ा अरे मोहनी के घर में अरे मोहनी के घर में अब केहू न जाई नाच रे मोहनी के घर में अरे मोहनी के घर में अब केहू न जाई नाच रे माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी रे माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे अरे दुनिया बिगड़ जाता अब होई निंदा नाच रे दुनिया बिगड़ जाता अब चले केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे अरे केहू नहीं जीनी माल पाकल बाकी काच रे श्री भैया अब प्रसंग पर एक समय की बात पुरानी है 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 सुनिए धर कर ध्यान है 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 पर
पति शारदा लक्ष्मी पहुंची। दुर्वासा ऋषि स्थान जो जैसे गई वहां पर मुनि ने सबका सत्कार किया। जो जिस लायक थी वहां मुनि ने उचित स्थान दिया। तीनों देवी लोग अयला से दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न भईनी। लेकिन पूछनी कि हे देवियों आप लोग ये बताएं कि किस कारण से आप लोग हमारे आश्रम में आई हैं। तो बोली पार्वती हे मुनिवर पृथ्वी पर कोई जग करवाता है क्या कारण है उस जग के अंदर सिर्फ मर्द ही सा पाता है। माता पार्वती कहली कि हे मुनिराज कारण का बाकी जितना दुनिया में जग होला उस जग में खाली मर्द के स्थान मिलला औरत के स्थान ना मिलला। तो बोली पार्वती हे मुनिवर करा दो जग एक भारी भारी लोक के नारी मानो कहना हमारी। माता पार्वती कहली हे सरकार ओई सुन कोनो रउरा जग के रचना करी जमना जग में खाली औरत लो जाए उस जग में मर्द लो ना जाए। दुर्वासा ऋषि जी कहनी कि बहुत बढ़िया रहा बात हमरा निक लागल हम ऐसा जग के रचना करते हैं कि उस जग में खाली औरत लो जाई उस जग में मर्द लो ना जाई। कहिले करारो हो मुनी जी अरे कहिले करार मुनी अरे मानी कर बतिया भेजवाई दी होले करबतिया भेजवाई दी होले तलिखी चारु और पतिया भेजवाई दी होले लिखी चारु और पतिया भेजवाई दी होले ए लिखी चारु ओर पतिया भेजवाई दी होले हो लिखी चारु ओर पतिया भेजवाई दी होले सब भी धरा दहले कि कहू मर्द अगर औरत के भेष बना के आई तो साचहू के औरत हो जाई। केहू मरद नया आई बन के औरतिया हो कसमी या धरा दी होले दुर्वासा ऋषि कसम भी धरा दे कि अगर केहू मेहरारू
के रूप में अगर जग में आई तो उषा चौक मेहरारू बन जाई। ये जग रचा गई जहिया जग के स्थापना रहे सब देवता लोग के नारी लोग अपना अपना घर से तैयार हो के चलता वो जग में शामिल होके खातिर इन्हें माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नहा तारी धोआ तारी श्रृंगार पठार कर तारी तले वही समय में हाँ भोला बाबा कंजर माता पार्वती पर परल के माता पार्वती के जब भोला बाबा देखले श्रृंगार पठार कोई कलेज का हो बड़ी आज बनल थनल बड़ू का बात बा आँख ठहरत नहीं के हाँ हाँ आँख ठहरत नहीं के बड़ी लाइट मारता ये भोला बाबा पूछत रे कहतना है बाजार बना के कहाँ जाए कहाँ कहाँ अरे बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू जालू अरे बताव गोरिया हो अरे बताव गोरिया हो अरे बताव गोरिया अरे दियो कौन गोरिया के जालू बताव गोरिया कौन अरे बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू बताव गोरिया हो बताव गोरिया हो बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू अरे बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू बताव गोरिया बड़ी हमरा निक लागता हां गजब पे बनावलु भेस देख के मोहिले से गजब पे बनावलु भेस देख के मोहिले से अरे गजब पे बनावलु भेस देख के मोहिले से गजब पे बनावलु भेस देख के मोहिले से और लीला रे पर कोइले बाड़ू लीला रे पर कोइले बाड़ू तू रो कवन बोरिया के जालू हमार बोरिया कवन बोरिया के जालू अरे हमार गोरिया कवन बोरिया के जालू हमार बोरिया कवन बोरिया के जालू अरे बताव गोरिया कवन बोरिया के जालू अरे बताव गोरिया कौन गोरिया के जालू ये माता पार्वती कहली कि सरकार बतावे लायक नहीं है हाँ भोला बाबा कहनी कि का कलू हा बतावे लायक नहीं है वो हमरा से तू ना बताइबो हाय कहली कि सरकार हुआ से बताइए कि का हम करो हाँ ऐसा जगह पर हम जाए जहाँ रौरा जाए लायक नहीं है लेकिन भोला बाबा कहनी कि तू बताइबू चाहे ना बताइबू लेकिन तू जहां जहां जाइबू तहां तहां हमहू जाइब जहां जाइबू तहां हो जाए जहाँ जाइबू हो जाए माता पार्वती कहली किस तरह जाए वाला बात मत कही हाँ अरे जाए तो बड़ी गजन सहे रोबरा जाए लेकिन नहीं खेल जाए तो रोबरा फिर भी पड़ जाए हाँ बड़ी पछताए के पड़ी बड़ी पछताए के पड़ी सुन के भोला के बोली
आ बोल तारी मधुरी रे बोली तारी मधुरी रे बोली एक आओ हमर सजना एक आओ हमर सजना अरे सभरा में मोर दोना जान मेरा एकिया हो रामा सभा में मोर तो न जाले रे रामा बार बार तू कहली कहे सरकार हे वैसन सहा हो कि उस सभा में खाली नारी लोग के सभा लागल बा उस सभा में मर्द लो ना जाई हे भोले बाबा कहनी कि हे पार्वती कैसन सभा हो हम आज तक जितना सभा देखनी मर्द के सभा देखनी मेहरारू के सभा कैसन होला हम आज ई सभा लिखे देखले हम बहुत चल हां हाँ हाँ हम तरक्याज में छोड़ के कहीं रहल नहीं की आज परमार बा आज के रह जाई हम हाँ हाँ आज कैसे हम रह जाई पार्वती जी फेर में पड़ गई कहली की सरकार रौरा ई जाय वाला जीत छोड़ दी उस सभा में जे मर्द जाई उस सभा में कसम धरावल बा कि चाहे कौन रूप में आई ओकरा ठीक विपरीत बन जाई भोला बाबा कहली की सुनो पार्वती तू हमरा के खाली आदेश पर चले खातिर अरे ऐसा हम रूप बना के चले हाँ। कि ना हमरा के केहू जानी ना केहू पहचानी आ ना हमरा के केहू देखी तू खाली आदेश दे दो हाँ। देखी है माता पार्वती जी आदेश देली कहली कि ठीक बा जब रौरा ना माने तो हमरा संगे चली हाँ चली लेकिन अब का होई अब रौरा बुझे रवाजर होई तो रवे भोगे देखी है भोला बाबा कैसे चलता रहे कैसे जी भोला बाबा ये भावना के रूप बना रहे अब भावना के रूप बना के माता पार्वती जी के जुड़ा में समा गए आ कहले कि हे पार्वती हम तो जुड़ा में जब समा जाए तो तू अपना जुड़ा के बांध लियो पार्वती जी के जुड़ावा में समा के एक आओ हो मोरे रामा एक आओ हो मोरे रामा अरे भोला बाबा अरे चलले ब्रह्मलो एकिया हो रामा एकिया हो रामा भोला बाबा चलल है ब्रह्म लो करले रामा माता पार्वती के जुड़ा में भोला बाबा भावना बन के बैठ गए दूर जब गईले तब माता पार्वती के जुड़ा के गर्मी बाबा से बर्दाश्त ना भइल अब जुड़े में बैठ के बाबा बोलत रहे जुड़े में बैठी बाबा बोलत रहे बतिया ए पार्वती जी जुड़े में बैठी बाबा
पार्वती बुझाता होई दूर गतिया ए पार्वती जी बुझाता होई दूर गतिया पार्वती जी बुझाता होई दूर गतिया ए पार्वती जी बुझाता होई दूर गतिया ये पार्वती जी से कहले के पार्वती जल्दी अपन जुड़ा खोलो तारा जुड़ा के गर्मी अब हमारा सब बर्दाश्त नहीं के हो हाँ यह माता पार्वती जी अपन जूड़ा खोल ली हम आई है जूड़ा में से भोला बाबा निकल के बाहर आवतरे हफर हफर हाँ फेल लगले कहले कि बाप हो बाप तारा जूड़ा में इतना गर्मी बा कि गर्मी हमारा से बर्दाश्त ना भई ना जब बाहर निकल के भोला बाबा अइले तो माता पार्वती कहले कि सरकारी बताई कि अब का होई अब कौन उपाय लागू भोला बाबा कौन की चालक तक जहू लखन कोनो हाल में हम जाई कोनो हाल में हम चलब मेहरारू के सभा हम देखले नहीं की ना अब देखिए भोला बाबा फिर दूसर रूप धरत रे कैसे अब यह भोला बाबा बन गईले नारी देखो न चलले जग ये को भारी ये भोला बाबा अब औरत के रूप बना ले रे अब बना के ये पार्वती जी के संगे चलत रे कैसे जी अरे भोला बाबा बन गईले नारी देखो न चलले जग ये को भारी भोला बाबा बन गईले नारी देखो न चलले जग ये को भारी अरे भोला बाबा बन पहले नारी देखो न चल ले जग ये कभारी भोला बाबा बन गईले नारी देखो न चल ले जग ये कभारी हमरी न मानो पुरानो से पूछो हमारी न मानो पुरानो से पूछो हमारी न मानो हमारी न मानो पुरानो से पूछो पुरानो से पूछो पुरानो से पूछो संगवा में बाड़ी सुंदर नारी देखो न चल ले जग ये कभारी हवा में बाड़ी सुंदर नारी देखो न चल ले जग ये कभारी आर सांगवा में बाड़ी सुंदर नारी देखो न चल ले जग ये कभारी ये भोला बाबा माता पार्वती के साथ में जहाँ जग होत रहे और जग में पहुंचल बाड़े तमाम देवता लोग के नारी लोग उस सभा में पहुंचल बा जी केहू सखी सत्संग सुनता केहू प्रवचन सुनता हाँ केहू यज्ञ मंडप के परिक्रमा करता माता पार्वती भी यज्ञ मंडप के परिक्रमा करे लगली आ पीछे पीछे भोला बाबा भी परिक्रमा करे लगले ए भैया श्रापित जगह रहे दुर्वासा ऋषि वो जगह के श्राप देले रहले कि अगर मर्द केहू औरत बन के आई तो सजहू के औरत बन जाई बाबा परिक्रमा करते रहे और धीरे धीरे उनका सामान चेंज होके लगा ये कैसे होता तो धीरे धीरे बाबा के सामान बदलाए लागल धीरे धीरे बाबा के सामान बदलाए लागल और धीरे धीरे बाबा के सामान बदलाए लागल धीरे धीरे बाबा के सामान बदलाए लागल धीरे धीरे बाबा के
बाबा के स्थल जनै लागल टोल त बाबा के स्थल जनै लागल स्थल जनै लागल अरे देखे में बाबा के स्थल जनै लागल अरे देखे में बाबा के स्थल जनै लागल ये बाबा अपना सामान पर हाथ फेर कर सामान नहीं जा अपना छाती पर हाथ तो तर तो देखो तो निकल रही तो बड़ा के जगह स्थल हो गई इतना गबड़ा गई अब यह लाज के मारे भोला बाबा वो यज्ञ से भागत रहे का कहते नहीं जी लाज के मारे भगल भोला हाय 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 धोले एक डगरिया भागत भागत कुछ दूर गईले तले ब्रह्मा जी से लड़ो नजरिया लाज के मारे वो यज्ञ मंडप से भोला बाबा भगले संयोग देखी को ही रास्ता से ब्रह्मा जी भी चल उतरले हाँ ब्रह्मा जी देखले तो पहले क्या रे अरे आय यहाँ सुंदर स्त्री है सुनसान जगह में आए का बात आई कतना निमन लागत या आंख ठहरते नहीं के हाँ हाँ आंख नहीं कर ठहरा लाइट मारता पतली कमर बा ब्रह्मा जी आगे आके खड़ा हो गए कल जा हा हा बड़ी तरह देह में बेचैनी बड़ी तरह देह में बेचैनी बा कहाँ घर पड़ी काहे अपना पसेना पसेना भइल बड़ी का बात बा कहाँ से भागल बाड़ू भोला बाबा लाज के बारे कुछ बोलत नहीं खा ना तले ब्रह्मा जी से दृष्टि भो हो गई जिया अब देखिए हिजी से का होता का होता वहां से भोला बाबा भगले धोइले एक डगरिया हाय 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 भागत भागत गईले बाबा हिमगिरी पर्वत परिया भोला बाबा भागत भागत हिमगिरी पर्वत पर एक गुफा रहे वही गुफा में जाके बाबा समा गई हाँ त्रिशूल अपन गुफा के दरवाजे पर गाड़ धले आ बाबा गुफा में जाके पटा गई का भइल आ एने का होता जग जब खत्म हुआ हाय तो पार्वती आई अपने घर को घर में न भोला को पाई तो चिंता हुई भारी मन को माता पार्वती के बेचैनी धल हलस कि आखिर भोला बाबा गईले तो कहाँ गईले कहाँ गईले वहाँ के माता पार्वती चारों तरफ घूम घूम के खोजतरी का कहतरी चारू ओरिया घूमत हो बाड़ी आ भोला जी के खोजत हो बाड़ी एकिया हमरे रामा एकिया हमरे रामा चलन बाड़ी अरे जंगल के वो रन ले Okay.
माता पार्वती भी खोजत खोजत हिमगिरी पर्वत पर पहुंचल बाड़ी। चारों तरफ घूम घूम कर खोज तारी एक वैसन जगह पर गयी जहाँ बड़ी सुंदर गुफा रहे। हाँ। देखो तरी के गुफा के दरवाजा पर त्रिशूल गड़ल बा। माता पार्वती भी हो गुफा में समा गयी। हाँ। भीतरी जब गयी तो देखो तरी की भोला बाबा सुतल बड़े का रहत रहे। माता पार्वती जाके कहतरी का कहतरी जी के तो मनोवली नहीं अरे मननी हमार बतिया भोला जी यही से आज होता दूर गतिया ए भोला। माता पार्वती कहली कि सरकार हम कतना रौरा के मन कोई। हाँ बाकी रुआ मननी ना रौरा हमार एक बात ना मननी आज भोग के परगल रुआ बात ना मानना के कारण हो कि आज रौरा हई कष्ट सहत बताई बताई। अब हई जन उपस्थिति रौरा ऊपर गुजरल बा अब एक और कैसे उपाय हम का करी हमरा कुछ समझे में नहीं आब बताई। एने बाबा जैसे गुफा में समझले बाबा के शरीर कुछ दूसरा खोल खाली हो गई। हाँ उबड़ खाबड़ हो गई पूरा। बाबूर भैले गर्भ होके अरे गर्मी ना सहा जीवा बाबूर भैले बोला मैं कहत कि हे पार्वती अब हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत ना अब देह टॉस बस ले नहीं के होत बड़ी गजन होता बैठलो नहीं के जात। अरे खा लाऊ चा रहिया हो हमसे अरे चल लो ना जाला कहत रे भोला बाबा की अब हमरा से एक दिन चले के मन नहीं थे करो अगर हम लातो कहीं आगे बढ़ाओ तरी तक गिर जाता नहीं। हाँ खा लाऊ चा लातो धोरी अरे चलो लो ना जाला हो जीवा बाऊर भइले चला ला पर का होता अरे गोड़ावा घास जीवा बाऊर भइले बाबूर भैले हमार मन मन कर खाटा मीठा मन कर खाटा मीठा ठीक खूब चबई हो जीवा बाबूर भैले सरकार ही तो गर्भवती औरत के लक्षण हो। हाँ। जब औरत गर्भवती हो जाले तो उकरा खाटा मीठा खाए के मन करेला रउरा काहे मन करता चुलकट खाए के मन करेला। हाँ। खापड़ा चबावे के मन करेला ई रउरा कैसे फेर में पड़ गई ए रउवा ई बीमारी रउवा केहन लाग गई
गोड़वा घारा हो जीवा बाबूर भैला अब हम कौन उपाय करें। हाँ माता पार्वती क्षीर सागर में भगवान विष्णु से शयन करते हनी। माता पार्वती भगवान विष्णु के लगे पहुंचल बारी का कहता री तो विष्णु जी से बोली पार्वती सुनिए वचन हमारी हमारी भोले पेट रह गया कोई जतन उचारी। माता पार्वती भगवान विष्णु जी से जाके कहली कि हे भगवान भोला बाबा के पेट में गर्भ रह गई बा। हाँ एक रौरा कौन उपाय करी करी तो बोले विष्णु हे पार्वती मानो बात हमार अरे भोला के त्रिशूल उठा के पेट दबुन को फार भगवान विष्णु कहनी के पार्वती है उपाय बा। हाँ कि भोला बाबा के त्रिशूल उठा के अब नहीं कि तू पेट फार दो। हाँ माता पार्वती कहली कि सरकारी काम हमारा सुना हुई इन हमारा बस का हले नहीं है। तो विष्णु भगवान कहने कि तारा सुना हुई तो दुनिया में दूसर केहू करे वाला होले नहीं। हाँ के जाई भोला बाबा सब बार लेवे जी इहे माता पार्वती वो गुफा में आई बाड़ी। हाँ अब भोला बाबा के त्रिशूल क्रोध में उठावले बाड़ी क्रोध में उठा के भोला बाबा के पेट जोन रहे फाड़ दले बड़ी। पार्वती बड़ी रनी दैया पति के पेटावा फाड़
गौर कैया मंगल गवा दिलिए नानकी के यह जन्म भइल बा सभी देवता लोग देवी लोग पर्वत पर जुटल बा सभी सोहर मंगल गावता आज हम अनियों के सोहर से सेवा रहा वाह कैसे जन्मे बाबा अरे नारद जी तो तीनों घरवा अरे सोहर होला हे
अयोध्या में जन्म राजा राम चंद्र मथुरा में कन्हैया जन्म मथुरा में कन्हैया जन्म हो ललना पर जन्म स बाबा नारद गीत तीनु धारावा सोहर होला हे नारदीत तीनु धारा सोहर होला हे डॉक्टर डीएन सिंह राठौर जी के तरफ से आई सब कलाकार लोग हजारों हजार रुपया से पुरस्कार चल गए हई दखीनाथ बाबा के जन्म के बधाई में बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार आई हाँ सोहत पर मोहरा गई ए ललना डॉक्टर साहब लूटाई लरखा जानवा तो खुशी सबके मन भइले अवधेशल मेला जी के तरफ से एक सौ एक रुपया इस सोहर में पुरस्कार आई माता रानी से हम निवेदन करब के माई एक गीत गौनई में चार चांद लगाई भाई अपना जिला का नाम रोशन करो लास्ट में भगवान का नाम बोलते चलक बाबू कैसे चाहे राम सिया बोलो चाहे कृष्ण पिया बोलो चाहे कृष्ण पिया बोलो गबड़ा गेल हो
चालू बजाओ चालू रेसे रेसे बजाओ रेसे रेस चली चली चाहे राम सिया बोलो चाहे कृष्ण प्रिया बोलो 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 बोलो चाहे कृष्ण प्रिया बोलो।